नवी मुंबई सीवर सेक्टर 44 में मनोज कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्या की जांच में नवी मुंबई पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी, लेकिन NRI पुलिस की जांच में जो हकीकत निकल कर आए हैं वह रिश्तों को तार तार कर देने वाला है, जिसकी वजह से आदमी यह सोचने को मजबूर हो जाएगा कि अर्धांगनी या जीवन संगनी ही अपने पति को अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतार दे तो आदमी किस पर भरोसा करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस के गिरफ्त में पहुंचे कत्ल के आरोपी की, जिसमें कातिल के साथ मृतक मनोज कुमार सिंह की पत्नी भी सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। पुलिस की बातों पर अगर हम यकीन करें तो पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जो हमें बताया कि मृतक की पत्नी को इस बात का डर था कि मनोज पर जमीन विवाद के कई मुकदमा अदालत में विचाराधीन था, और अगर मनोज केस हारते हैं तो उसकी संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। यही वजह थी कि नौकर राजू उर्फ संसुल खान के साथ मिलकर मनोज कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया। अब कातिल के साथ पूनम का कौन सा रिश्ता था और क्या लेने देने की बात हुई होगी, इस पर आप अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाए। जानता हूँ आपकी सोच किस दिशा में दौड़ी होगी, यह स्वाभाविक है क्योंकि महाभारत रामायण इन्हीं बातों पर लिखी गई है। चलिए हम आपको दो तस्वीर एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें हम बारी बारी से दोनों की बातें सुनाएंगे, जिसमें एक पुलिस विभाग के आला अधिकारी है और दूसरा है मृतक मनोज कुमार का बड़ा भाई संदीप कुमार। पुलिस यह कह रही है कि जांच में यह साफ हुआ है कि कातिल के साथ पूनम का जिस्मानी और जैनी रिश्ता बन गया था, जिसकी वजह से राजू ने हत्या के वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तरफ मनोज के भाई संदीप ने साफ कहा है कि पुलिस की जांच सही नहीं है, मेरी भाभी वैसी नहीं है जैसा पुलिस बता रही है, मैं ये चाहता हूँ कि जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। अब सुने पुलिस अधिकारी और मृतक मनोज सिंह के भाई ने क्या बताया। 13 जनवरी को नेहरू के सेवू सेक्टर में सेक्टर 20 में मनोज कुमार राम नारायण सिंह ये पर्सन की उसकी ऑफिस में अमन डेवलपर करके उसके ऑफिस है, तो ऑफिस में किसी अनजान व्यक्ति ने अनजान कारण से उसको माथे में कुछ मार के उसकी हत्या करके ऐसी कंप्लेन हमारे पास उसकी बड़ी पूनम मनोज कुमार सिंह उसने दी थी। उसके तहत हम लोगों ने गुना वापन करके तपास करके उसका जो एक साथी था राजू शमसुद्दीन खान उसको पहले अरेस्ट किया। उसके पास वापस करते हुए शमसुद्दीन खान और मयत की बीवी पूनम ये दोनों ने ही इसको मारने की साजिश की थी, और उसके तहत जब परसों उसको मौका मिला तब ऑफिस में ही उसकी हत्या की। इस सिलसिले में हम दोनों ही आरोपी अरेस्ट किए हैं। आरोपी राजू और शमसुद्दीन खान को 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और पूनम को कल हम लोग कोर्ट में हाजिर करके उसकी पुलिस कस्टडी ले ली है। घटना के वक्त हल्ला करने वाला ये अकेला था, प्लानिंग में और भी कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कि उसकी पत्नी का नाम हमें सामने आया है और तपास करने के बाद ही इसके बारे में ज़्यादा पता चला। सर हम जहाँ तक हमारा शादी को उनके मतलब 17 साल लग समथिंग हो गए होंगे जी, सर तक हम लोग अभी हम लोग सुना भी नहीं था और मतलब हमको विश्वास भी नहीं है ऐसा अचानक वो कैसे बदल गई, मतलब हमको लग रहा है कि मैंने बात को घुमाया जा रहा है क्या आप भाभी से अपने मिले? हाँ भाभी थोड़ी देर पहले हम मिले थे, वो तो कह रही है हम जो दोस्त हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो, हमको फंसा रहा है मतलब। अच्छा पूनम जी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया है वो, बिल्कुल एकदम कह रही है हम ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ हमको विश्वास भी है कि ऐसा कुछ नहीं किया है वो। हाँ पानी के तहत इसको फंसाया जा रहा है। ये मैं चाहूँगा कि ये केस CID या किसी अन्य मतलब दूसरे पुलिस ब्रांच क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए। अच्छा आप चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया जाए, मतलब आपको लग रहा है कि पुलिस जो जांच कर रही है वो निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है? निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। संदीप सिंह ने अब यह कहकर NRI पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि नवी मुंबई पुलिस मृतक की भाई के बातों को कितना गंभीरता से लेती है और जांच क्राइम विभाग को दिया जाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही राजू उर्फ संसु है जिसने मनोज सिंह को लोक से परलोक तक पहुँचाया है, जो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। हम जल्द हाजिर होंगे दूसरी खबर के साथ।